हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड। हमें पता है कि डीएनए एक डबल हेलिक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमेटिन क्या है? तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसकी लेंथ नियर अबाउट 2 मीटर तक होती है, और ये फिट होता है इनसाइड दी स्मॉल न्यूक्लियस जिसका जो साइज है वो 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। तो डीएनए को इतने स्मॉल न्यूक्लियस में फिट होने के लिए पैक होना पड़ता है। तो डीएनए की अपनी एक पैकिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके अकॉर्डिंग डीएनए रैप करता है अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं डीएनए डबल हेलिक्स जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप हो रहा है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की असेंबली को ही क्रोमेटिन कहा जाता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की थ्रेड लाइक असेंबली को क्रोमेटिन कहा जाता है। और आप इसमें देख सकते हैं कि डीएनए अभी कंडेंस्ड नहीं है, थोड़ा सा लूजली बाउंड है। तो ये है आपका क्रोमेटिन जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की असेंबली है, बट दे आर लूजली बाउंड, नॉट कंडेंस्ड येट। तो इसे कहते हैं क्रोमेटिन। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? जब भी सेलुलर डिवीजन होती है तो डीएनए कंडेंस होना शुरू कर देता है। तो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम, और ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपियर होंगे न्यूक्लियस में। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम में डीएनए टाइटली कॉइल्ड मेनी टाइम अराउंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन दैट सपोर्ट इट्स स्ट्रक्चर। तो आप इसमें देख सकते हैं इस पार्ट को, इस पार्ट में जो डीएनए है दैट इज कॉइल्ड मेनी टाइम अराउंड हिस्टोन प्रोटीन एंड दैट इज वेरी टाइटली पैक्ड। तो क्रोमोसोम में एक कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर्स। ये क्रोमोसोम को 2 सेक्शन में डिवाइड करता है, वन इज स्मॉल आर्म एंड अनदर इज लॉन्ग आर्म। स्मॉल आर्म को हम कहते हैं पी आर्म और लॉन्ग आर्म को कहते हैं हम क्यू आर्म। और क्रोमोसोम की जो टर्मिनल पोजीशन होती है उसे हम कहते हैं टीलोमियर्स। सो दीज आर 2 टर्मिनल पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड एज टीलोमियर्स। तो ये होता है क्रोमोसोम। तो आपको बस यहाँ पे कहने हैं डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म को क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो टाइटली कॉइल्ड मेनी टाइम अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। और क्रोमेटिड क्या होता है? जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है और अपनी एक आइडेंटिकल कॉपी बनाता है, सो दैट कि न्यू डिवाइडेड सेल को क्रोमोसोम की एक कॉपी मिल जाए। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम ने अपनी एक आइडेंटिकल कॉपी बनाई, और ये जो दोनों क्रोमोसोम है एक पॉइंट पर एक दूसरे से अटैच रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ओके, तो इस पॉइंट पे अभी दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, तो इस समय इन दोनों स्ट्रैंड को आप कहोगे क्रोमेटिड या इन्हें कहोगे सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड्स और कुछ नहीं है, डुप्लीकेट क्रोमोसोम विच हैज नॉट येट सेपरेटेड। और सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेसिस पे हम क्रोमोसोम को क्लासिफाई भी करते हैं। अगर आपका सेंट्रोमियर टर्मिनल पोजिशन पे है तो उसे हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल पोजिशन पे है। जब आपका सेंट्रोमियर क्लोज टू दी टर्मिनल पोजीशन होता है तो उसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, और जब आपका सेंट्रोमियर इन बिटवीन मिडल एंड एंड पोजीशन में होता है तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल और मिडल पोजीशन के बीच में है, तो इसलिए इसे सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है। अगर आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल पोजीशन में है तो उसे मेटासेंट्रिक कहा जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड, और हम कैसे क्रोमोसोम को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर लोकेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।